हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं फॉर्च्यूनर 2021 फेसलिफ्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी की की। तो ऐसे कुछ गाड़ी की मिल जाती है, लॉक अनलॉक और ये बूट ओपन का बटन, टोयोटा का लोगो और यहाँ पे फॉर्च्यूनर की एक बैजिंग मिल जाती है। अब बात करें गाड़ी की आगे से, जो चेंज है वो है इसकी लाइट। जैसे कि आपने पहले वाली गाड़ी में देखा होगा ऐसा नहीं था, इसके ऊपर आपको एक क्रोम मिल जाता है, साइड में ग्रिल जो कि अब बहुत चेंज कर दी है इसकी। फिर अगेन ये यहाँ पर ऐसी लाइट आ जाती है, नीचे आपके फॉग लैंप आ जाते हैं और नीचे आपके एक इसमें लाइट आ जाती है जो कि पहले आपको नहीं दिया जाता था। यहाँ आपको सेंसर मिल जाते हैं फॉग लैंप के ऊपर और एक यहाँ सेंसर मिल जाता है। साइड लुक की बात करें तो ऐसे कुछ इसकी साइड लुक है। और टायर साइज़ की बात करें तो इसके टायर साइज आते हैं 65R17। ये 4x4 नहीं है, ये 4x2 मैनुअल है। 4R भी में आपको ऐसे कुछ मिल जाते हैं जो कि बहुत ब्रॉड है। यहाँ आपको बटन मिल जाता है लॉक लॉक का, ऐसे कुछ आप इसकी साइड लुक देख सकते हैं। बैक साइड की बात करें तो पीछे की तरफ आपको 4 सेंसर्स मिल जाते हैं जो कि आपको बहुत हेल्प करते हैं पार्किंग के वक्त। बूट की बात करें तो पहले इसको कर लेते हैं अनलॉक और अब करते हैं इसको बूट को ओपन। तो इसकी 296 लीटर की बूट स्पेस आती है। ये आपको सीट है और ऐसे कुछ इसका बूट स्पेस है, पर आपको इसमें एक लाइट मिल जाती है या आपको ऐसे वेंट्स मिल जाते हैं, दो या आपको दो हैंडल में ये हैंडल मिल जाते हैं, ग्रैब हैंडल्स दोनों साइड। और आपको इसको लॉक डिग्गी को आप बंद कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं, की से भी बंद कर सकते हैं आप बूट को अपनी इसे भी लॉक कर सकते हैं। साइड लुक सेम जैसे कि आपको साइड में से बताया था मैंने। बात कर लेते हैं गाड़ी के इंटीरियर की। अब आ चुके हैं हम गाड़ी के इंटीरियर में। तो ऐसा कुछ आपको गाड़ी का इंटीरियर मिल जाता है। यहाँ पर आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, यहाँ आपको अप डाउन वॉल्यूम के बटन मिल जाते हैं, होल्ड के मिल जाते हैं, ये नेक्स्ट प्रीवियस के मिल जाते हैं, कॉल पिकअप और एंड के मिल जाते हैं। यहाँ आपको क्रूज़ कंट्रोल के बटन्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ से क्रूज़ कंट्रोल कर सकते हैं ऑन अपनी गाड़ी का। ऐसा कुछ इसका मीटर मिल जाता है, RPM और स्पीड, बीच में MID मिल जाती है जो कि आपको गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो ऐसा कुछ आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है एंड्रॉयड ऑटो और कारप्ले दोनों। ऑटो क्लाइमेट आपको इसके AC मिल जाता है, ये आपको गियर नॉब मिल जाता है, ये आपको हैंड ब्रेक मिल जाता है गाड़ी का। यहाँ आपको 3 बटन्स मिल जाते हैं, इको नॉर्मल और स्पोर्ट्स के आपको मिल जाते हैं। यहाँ आपको IMT और ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिल जाता है। और पीछे बात करें तो इसमें आपको थोड़ी स्पेस मिल जाती है जो कि बहुत अच्छी स्पेस है देखा जाए तो। साइड की बात करें तो आपको एक स्पेस मिल जाती है एक्सपोर्ट के, यहाँ नीचे भी आपको एक स्पेस मिल जाती है जो कि बहुत अच्छी है। साइड में आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं दोनों तरफ, या आपको मिरर मिल जाता है जो कि ऑटो आता है, ऊपर आपको लाइट मिल जाती है दोनों तरफ जो कि LED। यहाँ आपको ऑटो लाइट मिल जाती है, जैसे हम इसको ओपन करते हैं खोलते हैं ये अपने आप जल जाती है, यहाँ आपको एक मिरर मिल जाता है, यहाँ आपको अगेन वही सेम मिल जाता है। और डोर्स पे आपको यहाँ क्रोम लाइनिंग फिनिशिंग मिल जाता है, ये ऑटो, इसमें सारे ऑटो मिरर मिल जाते हैं, ये लॉक अनलॉक का मिल जाता है और ये मिरर साइड मिरर जो है इसको एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ आपको 4 AC वेंट्स भी मिल जाते हैं, बीच में 1000 लाइट्स का बटन भी मिल जाता है।
और पीछे की बात करें, यहाँ आपको स्पीकर मिल जाते हैं, आप मोटर मिल जाती है दोनों साइड। अब हम पीछे की बात करें तो इसमें बहुत ही अच्छा लेग रूम मिल जाता है हमको। अब ये सीट पूरी पीछे है बट तब भी आप देख सकते हैं लेग रूम। यहाँ आपको एसी वेंट्स कुछ नहीं मिलता है, आपको 12 वाट सॉकेट मिल जाता है, चार्जिंग सॉकेट। यहाँ आपको स्पेस मिल जाती है और यहाँ आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं, एसी वेंट्स मिल जाते हैं, यहाँ लाइट का मिल जाता है आपको, ये आपको कंट्रोल करने का मिल जाता है एसी का, जो कि पीछे का भी कंट्रोल कर सकते हैं आपको। यहाँ आपको क्रोम लाइनिंग फिनिश मिल जाती है और बूट का मैंने आपको दिखाई दिया था। ऐसे कुछ हमारी फॉर्चुनर 2021 फेसलिफ्ट का रिव्यू था। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।